इक्वेशन ऑफ सर्कल हूज एंड पॉइंट्स ऑफ वन ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, पार्ट सी बता रहे हैं हम अभी कि एक सर्कल की बात यहाँ पर चल रही है, और एक सर्कल है जिसके एंड पॉइंट्स नहीं हुए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, तो अभी बताएंगे, बिल्कुल आपके सामने आने वाला है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास में। लक्ष्य, बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया कि जैसे हमारे पास में एक एंड पॉइंट है -2 और 3, और दूसरा है हमारे पास 0 के साथ -1। ये शर्मा, इतना लंबा वैसे लिखोगे पढ़ने में देर लगेगी। ठीक है, ओके, चलो देखेंगे। अब आप देखो कि सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो सेंटर की और एक रेडियस की। सेंटर की और रेडियस की, ठीक है। तो सेंटर के लिए तो हम मिड पॉइंट का यूज कर सकते हैं। मिड पॉइंट का यूज करेंगे तो -1 और 1 आ जाएगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। अगर हम सोचें कि ये ओ है, ये ए है और ये बी है, तो चाहो तो आप ओ ए निकाल लो, चाहो तो आप ओ बी निकाल लो, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल आएंगी। या आप डायमीटर ए बी निकाल के उसका भी हाफ कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। इन तीनों में से कोई भी चीज यूज करोगे, सेंटर आपके पास है, तो इक्वेशन हो जाती है x-h का होल स्क्वायर और y-k का होल स्क्वायर। लक्ष्य बता रहे हैं √5 आएगी रेडियस, और इससे आपको मिल जाएगी सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ बच्चे देखो, मेरी वॉइस लो आ रही है क्या? मेरी आवाज कम आ रही है? नहीं, बच्चे बता रहे बिल्कुल सही आवाज आ रही है, मेरी तो सही आवाज आ रही है। तो यहाँ देखिए एक चीज और हो सकती है, जो बच्चे देखिए, ये तो आप कर लोगे, पहले इसका आंसर निकालो, तो मैं आपको आगे की बात बताता हूँ फिर जल्दी से। तो सर्कल की इक्वेशन निकाल लीजिए, बताइए क्या आती है सर्कल की इक्वेशन। एक्स, ओके, सेंटर कैसे निकाला? सेंटर बेटा मिड पॉइंट से निकाला। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डायमीटर का मिड पॉइंट हमेशा सेंटर होता है, इस कंसेप्ट का यूज करके हमने सेंटर निकाला। ओके, मिशिता एंड तेजस्विनी, आप लोगों ने, दोनों ने आंसर दिए हैं, मैं लिख देता हूँ, दिस इज द आंसर प्रोवाइडेड बाई मिशिता जैन। तेजस्विनी ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, और उन्होंने बताया है कि x²y² + 2x - 2y -3 = 0 आएगा। दोनों आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग तो चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया, और बता दें कि आपका आंसर सही था या गलत था। नव्या बता रही है आंसर सेम आया है, सही आया है, बहुत अच्छे। लक्ष्य, आंसर भी सही है, पार्थ पासी, वेरी गुड बेटा। और जिन्होंने आंसर, कोमल, ओके, यश वर्मा, मीनाक्षी, शाबाश, बाकी बताएं। ऊर्जा, आंसर बेटा जल्दी से बताओ कैसा आया? यतिन, आपने नहीं बताया कैसा आंसर। विशाल देवल, कहाँ खो गए हो बेटा, आवाज ही नहीं आती आपकी। सुजल, तान्या, शोभित, रिया, ओके, कुछ डिफरेंट आया, कैलकुलेशन चेक करो बच्चे। प्रगति बेटा बताओ, विशाल देवल सेम है, गर्वित ठीक है, ओके, मीनाक्षी, क्रिश, सर आज जो टेस्ट हुआ था उसमें किसी ने टेस्ट 2 मिनट में, ऐसा होता है बच्चे, जो 2 मिनट वाली बात है वो एक जो सपोर्ट टीम होती है जो बनाती है वो चेक करती है उसको, ठीक है, तो इसलिए उसमें 2 मिनट वाला भी आ जाता है, तो उसको लेके आप परेशान ना हो।
वो जस्ट जल्दी जल्दी से चेक करते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। आदित्य आंसर नहीं आया बच्चे आपका। अनुष्का, भव्या, भानु, ये बार बार नाम बेटा क्यों बोलना पड़ता है आप लोगों का? आप जल्दी से आंसर बताया करो तेजी से कि हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। सर यही आया है, ठीक है। अच्छा भाई, मैं आज आपको एक चीज और बताना चाह रहा था। अगर आप लोग, अलग से बता रहा हूँ, प्लीज स्कूल में नहीं करके आएंगे इस चीज को, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जो मेथड अब बताया जा रहा है वो सुपर मेथड है। इट्स नॉट फॉर सीबीएसई पर्पस, इट्स फॉर ओनली एमसीक्यू पर्पस। ठीक है, इसे अलग से स्पेशल नोट कर लीजिएगा कि अगर डायमीटर गिवन होता है, बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर डायमीटर गिवन होता है यश वर्मा जी, तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, एक को आपने एक्स वन, दूसरे एक्स वन वाई वन, और दूसरे को आपने एक्स टू वाई टू माना। डायमीटर सबसे बड़े कॉर्ड को कहते हैं, बिल्कुल सबसे बड़ी कॉर्ड को ही डायमीटर कहते हैं। मैं जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लीजिएगा, अलग से नोट कर लीजिएगा, सीबीएसई में यूज नहीं करेंगे। अगर सीबीएसई में एमसीक्यू क्वेश्चन है तो यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ नई नई बातें पढ़ने का मन है तो जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन प्लस, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ी सी गलती हो जी। एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू अगर कर दें तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है। अब आप देखिए क्या आपके पास एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू है या नहीं है, और चेक करो क्या वही आंसर हमारा आता है जो अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था, जो तेजस्वी ने सॉल्व करके निकाला था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इज माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। चेक करो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू की वैल्यू डालो, एक लाइन में आंसर आता है इस मेथड से। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए एक तरह से हमारे पास अब तीन चीजें इकट्ठी हो चुकी हैं। जो बेसिक मेथड है दैट इज एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक हमने बताया था लास्ट क्लास में कि एक्स स्क्वायर हो वाई स्क्वायर हो टू जी एक्स हो टू एफ वाई हो प्लस सी हो जीरो, तो ये स्टैंडर्ड, ये जनरल और ये स्पेशल फॉर डायमीटर। किसी बच्चे को पता था पहले या नहीं पता था ये भी बता देना मुझे। आंसर सेम है, लक्ष्य बता रहे हैं सही है, सेम आ रहा है, वेरी गुड। गर्वित, नव्या बता रही है नहीं पता था। किसी भी बच्चे को ये पहले से पता हो तो बता दो। बहुत बढ़िया, शाबाश हर्षित, ताजर, राखी, यश, मुझे अंदाजा था शायद तुम्हें अंदाजा पता होगा इसको। गुड, अब कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो जाता है, ये आया कैसे? ये बहुत मुश्किल है। डायमीटर वाला अभी भी पता लगा, सही बात है। चलो खैर, इसे सोचना बाद में कि ऐसा क्यों हो जाता है, बहुत सारी चीजें बात बढ़ जाएगी, वरना है बहुत आसान। वैसे आप चाहो तो सोच सकते हो इस चीज को भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पैराबोला है, एक पैराबोला है, और ये पैराबोला आपका टू माइनस थ्री से पास होता है।
ठीक है, तो 2-3 से पास होता है, तो देखिए ये पॉइंट इस पैराबोला पर लाई करता है, तो पैराबोला की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई, ठीक है। तो y की जगह -3 लिखा, x की जगह 2 लिखा, p की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। अब आप देखिए, अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को कंपेयर करें y स्क्वायर इक्वल टू px से, तो p की वैल्यू 4a हो गई, जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है, तो p की वैल्यू ही लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है, दैट इज 9/2। क्या ये सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, कोई परेशानी इसमें? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। जी देखिए, फोकस ऑफ पैराबोला, तो हमारे पास में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8/3 x है, इसे हम कंपेयर करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, सो 4a की वैल्यू 8/3 है और ए की वैल्यू 2/3 आ गई। फोकस निकाल दिया है बच्चों ने, हर्षित मित्तल, नव्या सही जा रहे हैं बेटा, मिशिता बेटा प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ प्लस आएगा, बाकी सही है सब, प्लस माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड वाला पैराबोला है और फोकस क्या यूनिक होता है पैराबोला में, इसलिए सिर्फ प्लस का साइन ही आएगा। ए की वैल्यू आ गई और फोकस हमारा होता था राइट साइड वाले के लिए 1,0, तो ए हमारे पास है 2/3,0 एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोई बच्चा इसमें परेशानी महसूस कर रहा है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सेंटर दिया हुआ है, सर्कल पास होता है, ये क्वेश्चन सब बच्चों से हो जाना चाहिए। एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल में हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे सर्कल पास हो रहा है 4-6, एक पॉइंट दिया हुआ है जिसे हम सेंटर कह सकते हैं, तो O गिवन है, P गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, दो चीजों की जरूरत होती है, सेंटर की और रेडियस की। सेंटर गिवन है, रेडियस निकाल लेंगे, लक्ष्य वेरी गुड, हर्षित शाबाश, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर है दोनों के। नेक्स्ट, तो देखिए जो आंसर हमारे पास आ रहा है लक्ष्य और हर्षित की तरफ से, वो है x²y² -2x - 4y और -20 या इक्वल टू में 20, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही चीजें हमारे लिए बिल्कुल सही हैं। हाँ जी बताइए, रेडियस निकाली है, 5 बता रहे हैं, रेडियस 5 ही आएगी, r² 25 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाके 1 और 2, 4 से माइनस होके 20 बन जाएगा। चेक कर लीजिए आपका आंसर सेम आ रहा है, यस तेजस्वनी, तानिया आवाज नहीं आ रही बच्चे आज, गुड मिशिता शाबाश, स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाला आपने आंसर, ऊर्जा शाबाश, नव्या, यतिन, मीनाक्षी गुड, थोड़ा कोशिश करिएगा, जल्दी जल्दी हाथ चलें, इस सबसे पहले आंसर निकालने की कोशिश करो, लेकिन उससे पहले आंसर पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही निकालने की कोशिश की जाए, ठीक है। अरे एलिप्स में फोकाई हमें दिए हुए हैं, एलिप्स में फोकाई हमें दिए हुए हैं, एक फोकाई दूसरा फोकाई, आप देखिए कि जो फोकस है वो आपके वाई एक्सिस पर है, तो यहां से आइडिया लग जाता है कि कौन सा वाले इलिप्स के रिगार्डिंग बात चल रही है,
तो एलिप्स आपको पता चल गया वाई एक्सिस का है, क्योंकि फोकाई वाई एक्सिस पर है हमारे, तो इसलिए आपके पास में एक मिल गया, आपको आ गया 0 के साथ 3, दूसरा आपको मिल गया 0 के साथ माइनस का 3। और आप जानते हैं कि जो फोकाई होता है अगर वाई एक्सिस पर हो तो ये 0 के साथ एई होता है, तो कंपेयर करने पर हमें और कुछ नहीं तो एई की वैल्यू 3 मिल गई, जिसे एनसीईआरटी में सी बोलते हैं। माइनर एक्सिस का मतलब 2b हमें दिया हुआ है, दैट इज 8, तो b की वैल्यू 4 हो गई। जो रिलेशनशिप है वो होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 16 आया, ए स्क्वायर हमें निकालना है, ए का स्क्वायर करा 9 आया, तो ए स्क्वायर 25 आ गया। हम जानते हैं कि वाई एक्सिस वाला है तो एक्स स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर रहेगा। किसी भी बच्चे को समझ में ना आता हो तुरंत पूछ ले कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 16 और ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25, जो कि वाई स्क्वायर के नीचे आएगा। बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे डाले यहाँ पर। हर्षित मित्तल, लक्ष्य, सक्षम, निशिता एंड रुद्र, तेजस्विनी, बहुत अच्छे। कोमल, कोमल बेटा √7 कैसे आया? यहाँ थोड़ा सा हमें लग रहा है आप नेक्स्ट की बात कर रहे हैं क्या? पार्थ, पार्थी, स्क्वायर नहीं किया, ओके। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, 4√3 है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट का निकालेंगे अभी। या साउंड क्वालिटी में कोई चेंज तो नहीं हुआ है? सब कुछ पहले की तरह आ रहा है या कुछ चेंज हुआ है अभी अभी? ठीक है, अच्छा, मुझे जरा एक चीज चेक करनी है बच्चों, आप में से कोई किसी को मुझे अनम्यूट करना होगा। हमारे पास कौन होता है अनम्यूट करने के लिए? ये लड़की बोलेगी। अनव्या बताओ जरा, बोल के आवाज चेक करनी है बच्चे सही आ रही है नहीं आ रही। यस सर। आप बोल रहे हो कुछ? हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। इशू है इसका मतलब मेरी साउंड में। लेट मी चेक। नहीं सर, सही आ रही है वॉइस आपकी। हाँ ठीक है, अब बोलना बेटा। यस सर। हाँ ठीक है बेटा, ओके ओके बेटा। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसे क्लियर करते हैं। आई होप सबकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिप्स की लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ निकालनी है। आप एक तो ये देखिए, पहले ना राइट साइड में 1 होना चाहिए। मैं चाहूंगा आप अटेम्प्ट करो एक बार, एक बार आप अटेम्प्ट करें तो ये ज्यादा अच्छे से होगा। बहुत बढ़िया, 4/√3 दो बच्चों ने निकाल दिया है। हर्षित मित्तल, अभिषेक, एक बच्चे ने और भी निकाला हुआ है। यस लक्ष्य, बिल्कुल सही है बच्चे, 3 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल निकाल चुके हैं। मिशिता ने भी फाइंड कर लिया है, 12 से डिवाइड करा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 12 हो गया, आपका वाई एक्सिस वाला एलिप्स बन गया, y एक्सिस वाला इलिप्स बन गया, तो ये आपका बी स्क्वायर हो गया, सॉरी ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बढ़िया, सारे के सारे बच्चों को मतलब अच्छा। ये चैप्टर मुझे लग रहा है आप लोगों का थोड़ा सा, आपका कॉन्फिडेंस इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की वजह से ठीक हो गया है। हाँ ये देखें जरा, ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, द सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। भाई बाकी बच्चे भी बताएं जरा, ये सूजल एक भी आंसर नहीं दे रहे हो आप, क्या चक्कर है? काव्य, कोई आंसर नहीं आ रहा। आदित्य, आर्यन राठी, क्या बात है बेटा, आंसर नहीं आ रहा। आयुष जायसवाल,
अगर आप लोग के आंसर नहीं आएंगे मैं आपको फिर बाहर करता चला जाऊंगा। क्रिश अरोड़ा, रिया, रिया कोई आंसर नहीं दिया बेटा तुमने आज अभी तक। शिवम शर्मा, शोभित, सुजल, लेटेस्ट एक्टम क्या आ रहा है लास्ट क्वेश्चन का? 4√3/3 बच्चे, सारे बच्चों को आंसर देने होते हैं। यश वर्मा क्यों नहीं आंसर देते बेटा? हाइपर बोला है लेटेस्ट एक्टम दी हुई है, ठीक है, एक्सिस तो प्रोवाइडेड नहीं है। कंजुगेट एक्सिस टू बी, यस यस यस, ट्रांसफर्स एंड कंजुगेट, ट्रांसफर्स एंड कंजुगेट। तो कंजुगेट एक्सिस इज टू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई के जो बीच में डिस्टेंस होती है वो टू ए ई होती है, तो टू बी इज इक्वल टू ए ई आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और लेटेस्ट एक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 2b² / a, ये 8 दी हुई है तो b² = 4a आ गया, ठीक है। b² की वैल्यू वैसे क्या होती है? a² e² - a² = 4a, ठीक है। b² की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4a, ये सामने आ गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो। ओके, 2/√3, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंप्लीफाई करो, देखो 2/√3, गुड काव्य, आर्यन, नव्या कंटिन्यू करो, शाबाश। अमीशी वेरी गुड, सुजल अपने आप लिख रहे हो, बना रहे हो, सॉल्यूशन तुम्हें सेंड करने को कहूंगा। सुजल कर दोगे अभी बेटा? व्हाट्सएप करोगे जरा सॉल्यूशन? व्हाट्सएप करो अपना सॉल्यूशन, ठीक है। यश वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। कोमल गुड, बाकी बच्चे कहाँ हैं? ऊर्जा, यतेन, विशाल देवल, तान्या, शोभी, जल्दी से बताओ। इधर तो आंसर दो बच्चे, रिया कोई आंसर नहीं आया, पैगेती जल्दी से आंसर दो। मीनाक्षी बेटा मैं अनम्यूट करवा के आपसे सॉल्यूशन भिजवा लूंगा, ठीक है सर? एक्चुअली आज कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। ओके, बहुत अच्छे आदित्य है, ठीक है। समझ सा नहीं आ रहा है, इतनी देर बाद बोली है बात ही तुमने, सर ये एक बार बता दो। करो करो, ट्राई करो, कोई बात नहीं। ए की वैल्यू क्या होगी? देखो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ देखो ए की वैल्यू तो आएगी सॉल्व करने पर 12, और e की वैल्यू आ जाएगी 2/√3, बिल्कुल 2/√3 ही आंसर है।
गुड सक्षम, वेरी गुड। ओके व्हाट्सएप कर दिया है, एक मिनट देखता हूँ। इतनी देर में करा बेटा तुमने, मैं तो इंतजार ही करता रहेगा। पहुंचा नहीं है अभी, व्हाट्सएप कहाँ कर दिया तुमने? सूजल किसे व्हाट्सएप कर दिया, स्कूल में व्हाट्सएप कर दिया क्या? ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड सुजन। शाबाश, ठीक है ठीक है। हाँ जी, अब बताओ जरा किस किस से नहीं हुआ सर? 8-12 कैसे आ रहा है? ओके देखो, यहां से अगर हम b की वैल्यू, एक b की वैल्यू इस चीज को देखो, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ रही है, ए ई बाई टू, अगर यहां पुट करते हो आप तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 4a। और थोड़ा सा यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर आपके पास 16 आ रहा है, यहां से ए कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ए स्क्वायर की जगह 16 लिख दिया तो ए की वैल्यू 12 आ गई। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी, है अच्छा क्वेश्चन, और भी आसान तरीके इसके हो सकते हैं कैलकुलेशन के। और ये भी किया जा सकता है, जैसे ये यहाँ पर है तो थोड़ा बहुत करा जा सकता है, वैसे थोड़े बहुत मैनिपुलेशन है बट कैलकुलेशन नहीं की इसी डायरेक्शन में। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट, इज इट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स ए पार्ट। क्या ये सर्कल की इक्वेशन है या नहीं है? ये फॉल्स है। ओके, देखो कैसे पता चलेगा कि भाई ये सर्कल की इक्वेशन है या नहीं है? अच्छा, एक तो बताया है, बच्चे बता रहे फॉल्स है, और हर्षित कहते हैं कि भाई ये सॉल्व नहीं हो रही इसलिए ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है। अगर चलो मैं एक काम करता हूँ, इसे 2 से डिवाइड करता हूँ। अपनी प्रॉब्लम को बेटा शेयर कर लेना यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है तो आप जरूर मेरे साथ यहाँ पर लिखें, तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि मुझे कितने बच्चों के अकॉर्डिंग समझाना है। अगर मुझसे 2 बच्चे पूछते हैं तो मैं 2 के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, और अगर मुझसे 10 बच्चे पूछते हैं तो मैं 10 के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, और अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं तो मैं उन सबके अकॉर्डिंग समझाऊंगा। यहां से देखिए, आपके पास में 2g मिलाकर आया है 3/2, 2f आपके पास आया है 0, सॉरी गलत हो गया, 2f आया है इधर से। कंपेयर करने पे देखो जी वाला तो 0 ही आ रहा है, तो क्योंकि एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं और y वाली टर्म 2f है जो आ रही है 3/2, और c की वैल्यू आ रही है 5। आपको मैंने बताया तो जो रेडियस होती है वो किसके इक्वल होती थी, इसमें
ये वाला मेथड पेपर में कर सकते हैं, इसीलिए आपको बताया जा रहा है आर्यन जी। तो आप देखिए जी का स्क्वायर कितना हुआ, जी की वैल्यू आई है 0 और एफ की वैल्यू आई है 3/4। आप देखिए यहां से 0 आया और आपका एफ स्क्वायर हो गया 9/16 और माइनस का 25। आप देखिए रूट में नेगेटिव आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपकी ये इक्वेशन सर्कल की नहीं है। ये लॉजिकल मेथड है, इसका आप यूज कर सकते हैं बताने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, और दूसरा तरीका और भी है हमारे पास, दूसरा एक मेथड और भी है, इससे अलग भी बताया जा सकता है। वो मेथड बताता हूँ कि भाई आप लोग अगर देखेंगे, जैसे हमने क्या किया, देखिए हटा देते हैं, जो हमारा बेसिक मेथड है जो आपने सर्कल में सीखा था, इसे बिल्कुल हटा दिया हमने, ये है ही नहीं सपोज। तो क्या था, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की, सिंपल फॉर्म से भी बता रहे हैं बच्चे, जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप देखिए इसे x वाले को तो लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर, और y वाले को लिख सकते हैं y प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर मेथड मैंने आपको सिखाया था, आपसे क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो ऐसा करने पर x माइनस 0 का स्क्वायर आ रहा है और y प्लस 3/4 का स्क्वायर आ रहा है, और इक्वल टू में नेगेटिव आ रहा है जो हो नहीं सकता, क्योंकि r स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये सर्कल पॉसिबल नहीं है, ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हाँ जी, कोई अपनी बात कहना चाहेगा कुछ, मैं जानना चाहूंगा सब अपने अपने विचार रखे, थॉट्स, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में, किस तरीके से आपने इसको समझा है, आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा है, मैंने जो दोनों मेथड यूज करे कौन सा मेथड आपको सही लग रहा था, आप एग्जाम में अगर आएगा तो कौन सा मेथड अप्लाई करना पसंद करेंगे। सर टेन पॉजिटिव था तो सीधा रिजेक्ट कर दिया था बेटा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता ना। यस, हो सकता है जो 2x और जो 2y वाली वैल्यूज आती है परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, वो सेकंड मेथड यूज करेंगे, ठीक है। यस, तो हमेशा ऐसा मत सोचिएगा, फर्स्ट वाला आपको पसंद आया है, ठीक है आर्यन। बाकी कुछ बताना चाहेंगे भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, नहीं आ रहे आज वाले, इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई तो सोचा फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ओके, जीएफ मेथड, यस ओके, फर्स्ट मेथड सही था, टाइम कम लगा फर्स्ट मेथड में, यस सर आ रहे बहुत अच्छे। तो मैं ये मान के चलूं जिन जिन ने बोला है सिर्फ उन्हीं की समझ में आया है, बाकी नहीं समझ पा रहे हैं अभी। नेक्स्ट देखिए, लिटल सेक्टम इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड ऑफ एनी पैराबोला। वैसे ये सिलेबस में है नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ, कोई बच्चा इस पर कुछ बोलना चाहेगा तो मैं उसको मौका दूंगा। फोकल कॉर्ड के बारे में कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? यश वर्मा, बिल्कुल मिशिता, आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, मैं आपको बताऊंगा, बट मैं एक मौका देना चाह रहा हूँ, यश को बोलता हूँ ये बता रहा है, ये वर्मा जी हमारे खतरनाक स्टूडेंट हो रहे हैं। बेटा बता दो फोकल कॉर्ड क्या होती है, कुछ बोलना चाहोगे बोलो बच्चे, बोल दो क्या आवाज। गुड सर, मैं श्योर नहीं हूँ मगर कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट कर रहे हो इस बात के लिए बहुत बड़ी बात है, आप कोशिश करो मैं बताऊंगा। सर फोकल कॉर्ड वो होती है जो फोकस से आई मीन पैराबोला के किसी पॉइंट तक जाती है, मतलब उसका डबल, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसलिए जो फोकस से पास होगी, एक तो ये सारी कॉर्ड है,
आप पैराबोला से पैराबोला को ज्वाइन करो, वो सब कॉर्ड है, लेकिन वो कॉर्ड जो फोकस से पास हो वो फोकल कॉर्ड, और फोकल कॉर्ड में जो सबसे छोटी बनेगी वो परपेंडिकुलर ही बनेगी, क्योंकि बाकी जितनी भी होंगी वो इस लाइन से जो लेटर सेक्टर में से बड़ी हो जाएगी। तो दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही सोचा था आपने, फोकल कॉर्ड वो होती है जो पैराबोला के फोकस से पास हो। एग्जैक्टली ठीक है मिशिता, तो सबसे छोटी जो होती है वो फोकल कॉर्ड लेटर सेक्टम ही आपकी होती है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस सीबीएसई में इसको नहीं पूछा जाता है। इज दिस क्लियर? परपेंडिकुलर सबसे छोटा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर सबसे छोटा होता है, इसीलिए इसको कहते हैं। और जो अगर हम इन सबकी बात करें कि अगर हम परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ही लेते चले जाए बच्चों, तो ये वाली जो कॉर्ड होती है जो परपेंडिकुलर होती है सारी की सारी, इनके लिए मैंने आपको एक नाम बताया हुआ है। डू यू रिमेम्बर क्या नाम था इसका? जितनी भी एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और जितनी भी कॉर्ड है, इनके लिए आपको एक नाम बताया था मैंने, इन्हें क्या बोलते हैं? अरे सी का आंसर दे दो, सक्षम इनका नाम बताया था मैंने, क्या बोलते? हाँ गुड गुड, नहीं सक्षम वैसे नहीं, ऊर्जा वेरी गुड बेटा, नो यतिन, ऊर्जा ने सही आंसर दिया है, नो 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 नो, सोचो सोचो सोचो, सक्षम नहीं, आप जो बता रहे हो वो भी अच्छी चीज है बट वो ये नहीं है। तो अभी ऊर्जा ने बताया है, तो ऊर्जा बताओगे बेटा सबको कि क्या होता है? यस बताओ बेटा सबको क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट, नोन एज डबल ऑर्डिनेट, याद आया बच्चों? बिल्कुल सही बताया ऊर्जा ने, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, आई थिंक अब याद आ गया। चलो आज मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे के सारे बच्चे, अनुष्का आंसर चाहिए बच्चे तुमसे जरूर, कि आपके पास 3D में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है? सारे बच्चे आंसर जरूर देंगे भाई, चाहे पता हो या ना पता हो कोशिश करो, और नहीं पता है तो बताओगे कि हाँ हमें नहीं आता। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसे एब्सिसा बोलते हैं, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, और तो जेड कोऑर्डिनेट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जल्दी से विद इन अ मिनट, एक मिनट का टाइम है बस, आता है या नहीं आता है? ठीक है नव्या, नो, हाँ दोनों को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जेड को स्पेशली क्या बोलते हैं? ठीक है आर्यन, वेरी गुड, गुड मिशिता, वेरी 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 गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही आप बताया है। नहीं लक्ष्य ऐसा नहीं है, भानु वेरी गुड, तुम्हें सच सच बताना तुम्हें ये कहां से पता चला? विशाल देवल, ये सारे मुझे बताओगे तुम्हें कहां से पता चला? गुड अमीशी बिल्कुल सही है, हर्षित मित्तल सही बात नहीं, जेड कोऑर्डिनेट तो होता ही है, वो मुझे आइडिया लग गया था बिल्कुल, इसीलिए पूछा मैंने, शाबाश विशाल, बहुत दुष्ट हो तो। ओके ओके बहुत अच्छे मिशी, शाबाश आर्यन राठी, अब तो सारे बता दोगे तुम। अच्छा बहन ने तुमसे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा था भानु, यस इट्स नोन एज एप्लीकेट, एप्लीकेट ही कहा जाता है इसको, गुड बेटा शाबाश, सारे के सारे एक तो गूगल के खिलाड़ी हो तुम, जल्दी जल्दी से गूगल का भी यूज कर डालते हो। ओके सी द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला, बिना पेन चलाए आंसर बताओगे इसका? पेन नहीं चलाना कंडीशन ये, ईमानदारी की बात है, कोई बच्चा पेन नहीं चलाएगा फिर बताएगा। ओके ठीक है, यश वर्मा सक्षम, हर्षित अमीशी, ओके कोमल वेरी गुड, लक्ष्य तेजस्विनी रुद्राक्ष ऊर्जा यतिन, सब बिल्कुल सही, परफेक्ट,
देखिए आप लोगों ने क्या किया, आपको पता है कि 3 को दूसरी साइड ले गए, और जो 4A होता है वही लेटर सेक्टम होता है, तो इट शुड बी 8/3, और इन्होंने 8 दिया है, सो इट्स फॉल्स। डी डी पार्ट, हाँ जी, ये कौन बताएगा, कौन बताएगा डी पार्ट को? फॉल्स है, लक्ष्य कह रहे हैं ये फॉल्स है, बट क्यों? जीरो से ज्यादा है, ओके हर्षित, वेरी गुड। इक्वेशन सेटिस्फाई तब होती है बच्चे शोभित जब वो सर्कल पर लाई करता है, बट ये सर्कल के इनसाइड लाई करता है, ये कैसे पता चलेगा? और 2/3 सर्कल के बाहर लाई करेगा, ये कैसे पता चलेगा? पुट करके, पुट करने से क्या होगा? ओके ठीक है लक्ष्य, शाबाश 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 शाबाश, मैं समझ गया तुम्हारी बात को, मेथड सही है तुम्हारा। अभी और बच्चों को भी बताएंगे, बोलोगे तुम, बताओगे? लक्की बाबा रुद्र, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, नहीं तुम्हें बोलना पड़ेगा, ऐसे बड़ी तुम्हारी आवाज निकलती है, शोर है आसपास, तो कोई बात नहीं, हम शोर सुन लेंगे। बताओ जरा, तुम बताओ क्या करोगे, जल्दी से बोलो बोलो, शोर आने दो। सर। हाँ बताओ बेटा, क्या बात, बोलो। अरे यस सर बोलने के बाद भी बोलना होता है कुछ, फिर भाग गया ये, जल्दी बताओ कैसे निकाला तुमने, इनसाइड है कि आउटसाइड है? ऑफ हो गया, आप बताओ। वैल्यू पुट करी और उसे इक्वल टू अगर 0 का आता तो ऑन द हाँ सेंटर होता, हाँ ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, हाँ और जी अगर कम आता माइनस में तो इनसाइड हाँ होता, तो हाँ वो ग्रेटर आया। हाँ सुनो मेरी बात, सुनी भाई बच्चों ने? वेरी गुड लक्ष्य। हाँ देखो एक शॉर्टकट बताया है यहाँ पे लकीर है, और ये बहुत काम का शॉर्टकट है, कॉन्सेप्चुअली तो इसका मेथड थोड़ा बड़ा है जो इन्होंने बताया है, कॉन्सेप्ट शायद इन्हें भी पूरा का पूरा नहीं पता होगा एग्जैक्टली कि क्या होता है, बट हाँ मेथड बहुत सिंपल है कि आप इस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में लाई करो, पुट करो। मुझे प्राउड है सर, कह दो से, हाँ नहीं प्राउड तो है, बच्चा बोल रहा है ये बहुत बड़ी बात होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है जब बोलने के लिए बोला जाता है, सोचो ऐसा होता है कि नहीं होता, जब भी आप लोगों से बोलने के लिए कहा जाता है, और जो जो बच्चे बोल पाते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। देखो आप किसी भी पॉइंट को आपने पुट किया, तो या तो ये पॉजिटिव आएगा या ये नेगेटिव आएगा या ये जीरो आएगा, अगर जीरो आए तो ऑन द सर्कल। हाँ बेटा मेरे को साथ, तो मुझे तो बोलने में बड़ी घबराहट होती है, होती थी, अभी भी कभी नए टॉपिक पे बात करनी होती है ना मुझे, जो जिसमें मैं मतलब मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो मुझे आज भी घबराहट होती है, हाँ मैं इसके बारे में बात कर जाएगी, आप मुझसे बुलवाए जाओ घंटों तक, तो जो जो चीजें जिनमें मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है वहां तो मैं बोल पाता हूँ, अगर नहीं है तो फिर नहीं बोल पाता। और आप देखिए अगर ये पॉजिटिव आएगा तो आउटसाइड, और अगर नेगेटिव आएगा तो इनसाइड। तो ये आपको शॉर्टकट मिल रहे हैं, आप इन्हें नोट करते रहिएगा, और ये किसी भी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल, जैसे ये बात अभी सर्कल के लिए चल रही है, अगर पैराबोला की बात आए तो उसे ऐसे चेक कर लो, या तो ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव या जीरो, अगर इलिप्स की बात आए तो उसे भी आप चेक कर लो, सेम मेथड है इलिप्स के लिए भी, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। जब मैं आपकी एज का था तो मैं कैसा स्टूडेंट था, मुझे अच्छा स्टूडेंट माना जाता था, मैं काफी ओबीडियंट स्टूडेंट था, शांत था,
और पढ़ाई वढ़ाई करने वाला ठीक ठाक बच्चा था, अच्छा था। तो आप ये देखिए जो मेथड आपके सामने आ रहा है ये क्या है, पैराबोला के लिए भी एप्लीकेबल है, इलिप्स के लिए भी एप्लीकेबल है, सर्कल के लिए तो अभी अभी ऐसा है, और आप हमें कैसा मानते हो, बहुत अच्छा मानता हूं मैं तो आप लोगों को, बहुत बहुत अच्छा। शांत तो आप अब भी लगते हो, मैं अभी भी शांत हूँ। हमें बुरा भी और अच्छा भी, हम बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, पता नहीं कैसे हो, समझ में नहीं आता। तुम लोग तो खैर बहुत स्मार्ट हो सारे के सारे। ठीक है ठीक है, सही है। सुनो भी पहले से देखो, तो ये जो मेथड अभी अभी आपको बताया गया है तो ये इवन सर्कल पर ही एप्लीकेबल नहीं है, ये सारे के सारे कॉनिक पर अप्लाई होता है। तो इजंट वेरी यूजफुल कि आप देखो आपके सामने एक बढ़िया मेथड निकल के आ गया कि कभी भी आपको किसी पॉइंट को चेक करना है कि वो इनसाइड आउटसाइड या ऑन द है, तो आप चेक कर सकते हो। हाँ जी, समझ में आ गई बात? आर्यन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ठीक है, किसी को इसमें कुछ पूछना है? ई पार्ट को चेक कर सकते हो आप लोग, बताओगे? ई पार्ट बता रहे हैं, कोमल कह रही है ट्रू आ रहा है, बहुत अच्छे बच्चे। तेजस्विनी ऑल्सो ट्रू, विशिता, शोभित सब ट्रू बता रहे हैं, आउटसाइड हर्षित अमीशी वेरी गुड बेटा, नव्या, लक्की, करवित, यस वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यस, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने कह दिया तो ट्रू हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है थर्ड, जरा इसमें देखते हैं। ऑप्शन सी, सर मुझे समझ नहीं आया। ओके, एक बच्चे की समझ में नहीं आया भी, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। देखो ऐसा है बच्चे कि इसे आप x की जगह लिखो, इसे y की जगह, तो आप देखिए ये 4 आया, 9 आया, 4 आया, 18 आया, 1 आया। अगर ये प्लस है तो आउटसाइड होगा, अगर ये माइनस आएगा तो इनसाइड होगा, अगर ये 0 है तो ऑन द सर्कल होगा। अब आप देखो ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो ये आउटसाइड हो गया, इन्होंने भी आउटसाइड बोला, हमारा भी आउटसाइड आ रहा है, बात खत्म, इट्स ट्रू। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कैसे करोगे? हाँ जी, है कोई? एक काम करो, मैं ये सजेस्ट करूंगा। ओके, हर्षित कह रहे हैं सी पार्ट, अब बताओ ये करा कैसे। आप इसको नोट कर लो, आप होमवर्क में करना है। लक्ष्य बेटा आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, मुझे मेथड देखना पड़ेगा। हाँ ये बताओ, ऑनेस्टली बताओ, किस किस को नहीं आता? बताता हूँ, हर्षित तुम बोलोगे बेटा? ओके, हर्षित बोलना चाह रहे, बताओ बेटा।
हाँ बताओ सर। सर पहले तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल लिया एक्स और वाई, और फिर दोनों दोनों लाइंस का बेटा कैसे, दोनों सर्कल्स का, हाँ सॉरी सर्कल्स का इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला तो क्या आया, एक्स इक्वल टू वाई आ गया, एक्स इक्वल टू थ्री आ गया, एक्स इक्वल टू वाई है ठीक है, और एक्स की वैल्यू 3 है, ओके ठीक और है, सेंटर हमें दे रखा था 3/2, 3/2, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया एक्स माइनस एच वेरी स्क्वायर। गुड बहुत बढ़िया। चलो देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने करा है इस क्वेश्चन को ठीक है। ये अच्छी बात ये है इसके अंदर जो इन्होंने मेथड बताया आप सबके साथ शेयर करें कि ये सारे क्वेश्चंस का तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, बट हाँ ये है कि इसमें जरूर अप्लाई हो जाएगा। आप ये देखो कि हमारे पास दो सर्कल है, आप सिचुएशन को समझिएगा, मैं हर्षित की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ जो इन्होंने बताई है कि ये दो सर्कल्स हैं, अब दोनों ही ये जीरो के इक्वल है, तो दो पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, और जब भी दो चीजें इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें सॉल्व कर दो, क्या ये बात बताई गई है या नहीं बताई गई। भाई जब भी दो चीजें इंटरसेक्ट करें उन्हें सॉल्व कर दो चाहे वो कुछ भी है, तो यहां से आ गया एक्स इक्वल टू वाई, अब चाहे इसे यहां पुट कर दो चाहे वहां पुट कर दो, तो सपोज आपने वाई की जगह एक्स पुट किया तो एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स स्क्वायर आया, फिर आपके पास में माइनस का सिक्स आया तो टू एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स आया, और यहां से टू से डिवाइड कर दिया तो आपके पास एक्स के साथ एक्स माइनस थ्री आया, तो एक्स की वैल्यू जीरो आई और थ्री आई, क्यों आई, क्योंकि एक पॉइंट आ गया जीरो जीरो और एक पॉइंट आ गया थ्री थ्री, क्योंकि दो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसलिए दो वैल्यू आई। हाँ मिश्रिता यही बात थी बेटा, मैंने कहा था ना ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएगा, पर अगर सर एक्स और वाई इक्वल नहीं हुए तो ये मेथड हमेशा अप्लाई नहीं कर पाएगा, बट उन्होंने ये इसमें अप्लाई कर दिया, ये बहुत अच्छी बात थी। जब ये अप्लाई नहीं होगा तो हम आपको और मेथड बताएंगे, इसका और भी मेथड है। अब आप देखिए आपके पास में एक पॉइंट आ गया है और एक सर्कल हमें निकालना है, हमें एक सर्कल निकालना है जो एक तीसरा सर्कल है कोई ठीक है जो इनसे पास होता है, मैं ट्राई करता हूं अगर बन पाए तो लीजिए कुछ ऐसे की बात हो रही है, और उसका सेंटर हमें दिया हुआ है, तो हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर हमें दिया हुआ है 3/2, 3/2 तो सेंटर है, और रेडियस आप यहां से निकाल लोगे आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन कैसा है बताइए, बताओ बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ बताते रहो जो भी आप लोगों को डाउट है, और ये बहुत अच्छा करा है ये क्वेश्चन उन्होंने हर्षित। बढ़िया क्वेश्चन, नहीं बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। अभी भी समझ में नहीं आया बच्चे, अब तो आ गया या नहीं आया बताओ। सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी कि इंटरसेक्शन का क्या करें, एग्जैक्टली सक्षम सही कह रहे हो आप, क्योंकि ये जो स्पेशल कैलकुलेशन थी इन्होंने अच्छे से कैच करी और इसका इन्होंने बेनिफिट उठा लिया। अभी देखो क्या है, जैसे ही आपके पास में ये आ गए थे कि हमारे पास जो पॉइंट है वो आ गए जीरो जीरो और थ्री थ्री, और सेंटर हमें दिया हुआ है 3/2, 3/2 तो आप सेंटर भी है और रेडियस भी है, कैसे भी इसको निकाल सकते हो, और चाहे आप ओ ए से निकालो चाहे ओ बी से निकालो आएगी रेडियस सेम। आ गया समझ में, गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए द सेंटर ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड, ये कैसे करोगे, ये नहीं होगा, ये कर दोगे सी ऑप्शन, घर में प्रैक्टिस कर रही हो ये लक्ष्य आपने है, ये कैसे कर पाओगे,
ये तो सुपर क्वेश्चन है भाई। यश वर्मा जी, अनुष्का बेटा बोलोगे? मिशी, काव्य, मिशिता, आदित्य, आर्यन, भानु, अरविंद, हर्षित, बताओ बेटा। नहीं, ये वाला कैसे करोगे, इसको बताओ बेटा। तान्या बेटा बिल्कुल नहीं बोलोगे आज? कुछ बच्चे कसम खा के आए हुए हैं क्या आज नहीं बोलने की? लास्ट वाले की तरह हाँ। हर्षित क्या कह रहे बेटा, इसको कैसे करेंगे? नहीं, एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी। निकाल सकते हो, देखो चलो मैं बताता हूं। आज किसी को कुछ कहना है? यहां से क्या फैक्टर तो आप कर ही लोगे, तो उन्होंने क्वेश्चन बनाया तो मुश्किल लेकिन डिफिकल्ट में थोड़ा आसान भी बना दिया है। मैं बताता हूं कैसे, आप लोग आराम से समझना। इन्होंने कहा है कि एक सर्कल है, ध्यान से सुनना, मैं वो धीरे धीरे बोल रहा हूं, मैं अभी बताता हूं बच्चे, अभी बताता हूं, आप देखिएगा खुद डिसाइड करना। और वो स्क्वायर के अंदर बनाए, और वो स्क्वायर बनाए इन लाइंस से। अब एक बार बताओ, स्क्वायर के लिए कितनी लाइंस होनी चाहिए? चार लाइंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो दो लाइंस तो है ये x इक्वल टू सिक्स और x इक्वल टू टू, और दो लाइंस है आपके पास ये y इक्वल टू नाइन और y इक्वल टू फाइव। तो इन्होंने क्वेश्चन डिफिकल्ट तो बनाया, बट उस डिफिकल्ट में इन्होंने थोड़ा आसान भी बनाया है। आसान कैसे बनाया आप देखिए कि नाइन है, फाइव है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो जो लाइन बनाई है इन्होंने, पहली लाइन है x इक्वल टू टू पे, तो एक लाइन बना दी x इक्वल टू टू पे, ठीक है, एक x इक्वल टू टू पे लाइन बन गई। फिर x इक्वल टू सिक्स पे एक लाइन बनी, फिर बनाई y इक्वल टू फाइव पर, और एक बनी y इक्वल टू नाइन पर। यश अभी तुम्हारी बात को बेटा देखूंगा मैं। तो यहां पे देखो, x की वैल्यू टू है, y की वैल्यू 5 है, फिर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 9 है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है, और x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 9 है। आपको मिड में चाहिए, ठीक है, यहां से भी मिड चाहिए, यहां से मिड चाहिए। वैसे तो मिड पॉइंट निकाल दो, ऐसे सीधे आपको सेंटर मिल जाएगा। तो 6 और 2 से मिलेगा 8, से आया 4, और नाइन और फाइव से हुआ 14, से आया 7, तो 4 7 आपका बन जाएगा तीसरा ऑप्शन। बिल्कुल सही है लक्ष्य, शाबाश मिशी, वेरी गुड। यश वर्मा जी, आपने जो बात भूली है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं कि इन दोनों को प्लस कर दो, तो इन दोनों को प्लस करने पर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। और कहते हैं ये सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। आ जाएगी, क्योंकि चारों के चारों पॉइंट्स जो है ना, वो सेटिस्फाई करेंगे इस सर्कल को। बिल्कुल आएगी, ये सर्कल की इक्वेशन। बहुत बढ़िया यश, सुपर मेथड, ग्रेट। आज भी समझ में आया कि नहीं आया?
यश वर्मा ने कहा है कि आप इनको प्लस कर दो तो सर्कल की इक्वेशन आएगी और ये बिल्कुल सही है, ऐसा होगा। ये भी ठीक है, ये बहुत ठीक है। ये देखिए ग्राफिकली भी समझ में आ गया है, मैथमेटिकली भी समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास ओवर कर